का एक एग्जाम्पल बताया था। आर ए लिस्ट स्ट्रिंग न्यू आर ए लिस्ट देन लिस्ट डॉट आर मैंगो लिस्ट डॉट आर एप्पल लिस्ट डॉट आर बनाना लिस्ट डॉट आर ग्रेप्स। ओके उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या यूज किया ना, आइटरेटर क्लास यूज किया। आइटरेटर ऑब्जेक्ट हो गया आईटीआर लिस्ट डॉट आइटरेटर मेथड। इस मेथड को यूज करके मैं जो जो सारा एलिमेंट है उसको रिट्राइव करके आईटीआर ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। तो जब तक आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें ना लिस्ट में, खुले ले जब तक लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में, वो सारा एलिमेंट आपको एक एक करके शो करेगा। ओके हमारा लास्ट क्लास को पढ़ाओ सुबह, फर्स्ट क्लास सीधा पढ़ाओ फर्स्ट क्लास। जो क्लासरूम टा फंका दे सिर्फ बस जाओ जो लैपटॉप। सर यहाँ पे आइटरेटर क्या है? आइटरेटर मेथड क्या होता है ना, एक एक करके एलिमेंट को रिट्राइव करने के लिए आइटरेटर क्लास यूज किया जाएगा। ओके ओके सर लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज आर ए लिस्ट स्ट्रिंग न्यू आर ए लिस्ट लिस्ट डॉट आर मैंगो लिस्ट डॉट आर एप्पल लिस्ट डॉट आर बनाना लिस्ट डॉट आर ग्रेप्स। लिस्ट डॉट साइज ये क्या करेगा, आपका जो लिस्ट का साइज वो रिट्राइव करेगा। और आइटरेटर मेथड क्या करेगा ना, सारा एलिमेंट को रिट्राइव करेगा। जब तक आपका लास्ट एलिमेंट है तब तक एक एक एलिमेंट को रिट्राइव करके यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर लिस्ट डॉट रिमूव रिमूव टू इंडेक्स मतलब 0 1 2 बनाना को रिमूव करेगा, बनाना को रिमूव करेगा। लिस्ट डॉट क्लियर पूरा एलिमेंट को यहाँ पर क्लियर कर देगा लिस्ट। देखो ये पहले आपका क्या दिखाया, लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट का साइज हो गया 4। उसके बाद सारा एलिमेंट को रिट्राइव किया। अगर आप सिर्फ लिस्ट प्रिंट करोगे मैंगो एप्पल ग्रेप शो करेगा। लिस्ट क्लियर करने के बाद पूरा एम्प्टी आइटरेटर यहाँ पर दिखाया। ओके देखो अभी मैंने आ रही लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, स्ट्रिंग एलिमेंट हम स्टोर करेंगे। जेनरिक क्लास में स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर करेंगे जो यहाँ पर मैंगो रहेगा एप्पल रहेगा बनाना रहेगा और ग्रेप्स रहेगा। उसके बाद मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट थ्री। गेट थ्री करने से 0 1 2 3 मतलब इट विल रिटर्न फोर्थ एलिमेंट। ओके मैं 2 अगर यहाँ पर पास करूंगा, सपोज यहाँ पर 2 पास किया, 2 पास करने से 0 1 2 बनाना आपको शो करेगा। ऑब्जेक्ट डॉट सेट 1 में डेट शो किया स्टोर किया मतलब ये जो लिस्ट है आरे लिस्ट है, आरे लिस्ट का 1 पोजीशन में डेट स्टोर किया और आरे लिस्ट में 3 पोजीशन में मैं बेरी स्टोर करूंगा। ओके उसके बाद स्टोर करने के बाद 3 इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है ये आपको शो करेगा। उसके बाद ये सारा लिस्ट आपको शो करके दिखाएगा। सेट मतलब सेट मेथड का मतलब क्या है, एलिमेंट आपको स्टोर करेगा एक स्पेसिफिक पोजीशन। नहीं देखो
रिटर्निंग एलिमेंट बनाना बेरी ओके ओके से पूरा आगे क्यों जरा रिमूव कर दो उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट So another example of linked list. Linked list, string, object, new linked list, object.add Ravi, object.add Vijay, object.add Ravi, object.add Ajay. Okay, then iterator class, string, new, iterator, while iterator.asNext. यहाँ पर iterator method use किया गया। जब तक आपका last element है, तब तक वो एक-एक element को retry करके दिखाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर use किया object.add last. लास्ट में क्या आर किया चंदन आर किया ऑब्जेक्ट और रिमूव लास्ट उसके बाद हम रिमूव लास्ट को करेंगे ओके फिर ऑब्जेक्ट और ऐड वन वन पोजीशन में अजय ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट और गेट फास्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट और गेट लास्ट लास्ट एलिमेंट को रिट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट और गेट टू ओके गेट टू जीरो वन टू ए आपका जो टू इंडेक्स में जो वैल्यू है वो दिखाएगा कुरान का क्या कुछ समझाते हैं पहले दिखाया क्या आइटरेटर में सारा वैल्यू दिखाया रवि विजय रवि अजय ओके उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लास्ट एलिमेंट लास्ट पे चंदन ऐड हुआ रिमूव लास्ट फिर चंदन रिमूव हो गया ओके फिर इसमें क्या है ना रिमूव लास्ट उसके बाद रिमूव इंडेक्स नंबर ये वाला आ गया रिमूव इंडेक्स नंबर जीरो वन टू रवि डिलीट हो गया फिर मैंने ऑब्जेक्ट ऐड ऐड अजय वन इंडेक्स में अजय ऐड हुआ मतलब यहाँ पर जीरो वन इस पोजिशन में अजय ऐड हुआ ओके बुझे हो जाए नहीं तुरंत Then object dot get two. Get two करने से आपका जो second element है zero one two विजय विजय से होता है समझ से बुझी होती है अर्पिता राजलक्ष्मी लेडी होती है तो क्या आगे सर बुझी होती तो यस सर Let's go.